हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू कुकिंग व्लॉग। तो आज की हमारी रेसिपी होने वाली है प्याज की पराठा की रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्याज का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले दो बड़े प्याज को बारीक काट लिया है मैंने यहाँ पे, और दो हरी मिर्च को। उसके बाद यहाँ मैंने गेहूँ का आटा लिया है और इसमें एक चम्मच नमक डाला है और जो कटी हुई हरी मिर्च और प्याज है वो डाला है। और उसके बाद इसको बस जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही इसको गूंथना है, थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके। आप चाहो तो इसमें आप हल्दी और मिर्ची, चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ये काफ़ी क्रिस्पी भी बनता है और टेस्टी लगता है, आप इसको भुजिया के साथ खा सकते हो। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ प्याज और मिर्ची का ही प्रयोग किया है और मसाले वगैरह मैंने नहीं डाले, मुझे नहीं पसंद है। और यहाँ हमारा आटा अच्छे से नीट हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे आटे की छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे और काटने के बाद इसको बेलेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर इसको बेलेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद इसके बीच में थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड लगाकर चम्मच से अच्छे से उस पर लगा देंगे और उसको एक तरफ से मोड़ देंगे, फिर दूसरी तरफ से भी मोड़ कर इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से करके आटा लगाकर वापस से बेलेंगे। ये देखिए हमारे पराठे का शेप आ गया है। अब इसको हम सेकेंगे। पराठा सेकने के लिए सबसे पहले तवा अच्छे से गरम कर लें। यहाँ पे मैंने पहले से ही तवा गरम करके रखा था और उसके बाद इस पर पराठा डालेंगे और उसको उलट पलट के अच्छे से सेकेंगे। जब पराठा अच्छे से सेक जाए तो इसमें रिफाइन लगा लगा कर उलट पलट के फिर से सेकेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सेकना है और ये हमारा पराठा तैयार है। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, आप भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कैसा लगा।